नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू लोग। और दोपहर का समय हो गया, 1:30 बज गया और 1:30 बज के खाने की तैयारी करने में लगी हूँ। और यहाँ देखे मैंने खाना, सब्जी मैंने मंगा दी, सब्जी बनी है आलू टमाटर की। और यहाँ पे आटा भी बना दिया, बस रोटी सेकनी रह रही, अब सेकूंगी रोटी। और मैंने बच्चों के लिए दलिया भी बनाया, दलिया खा लेंगे बच्चे, क्या रुचि भी। और आज रुचि की तबीयत हो रही है खराब, रुचि की आज तबीयत खराब है सुबह से ही। आज तो रुचि रेस्ट कर रही, दिखा दूँ आपको, ये देखिए रुचि लेट रही है। और आज इसको सुबह पढ़ा रही थी आज रुचि की तबीयत ना सुबह ही खराब हो गई थी। सुबह ही जैसा उठे, कल तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, सुबह ही उठे तो इसको ना जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा हो गए थे। तो सुबह ही तो उस टाइम डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली होती और ये होगी परेशान एकदम, ऐसा ही जैसा सांस से लेने में भी ऐसा दिक्कत हो गई थी। तो फिर इसके पापा दवाई लेके आए और इसको स्टीम वगैरह दी, जब जाके इसको आराम मिला। और अभी आराम है तो अभी से डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे, शाम के टाइम कहते हैं इसके पापा। अभी तो इसको आराम, क्या हो गया ये देख, इसको छेड़ा ना, ये ना इतनी चिढ़ती है आरू, देख देख इसको, यीशु को मारने लग रही, देखे कितनी गंदी आरू। देखो इधर आ मेरे पास, चलो खाना दूंगी, क्या खाएगी पापा? मेरी बहन को ना मार दियो, देख बस इसको ना कुछ जरा सा भी ना कर दो या कुछ इसके अपोजिट बोल रहे हो, एकदम ये रोना शुरू कर देते यीशु तो लाड कर रही, देख तेरा। और यार देखे कृष्णा की चल रही है रुचि के साथ मस्ती, देखे देखे भाई कैसे खेल रहा, भाई देखे कैसे खेल रहा। ओए होए, मैं पहले ऐसा चुप कर दू, रुचि ऐसा चुप कर दो बब्बो, देखे यार बस आ जा, मारता कोई कोई नहीं मारता, बस ऐसा ना थोड़ा सा छेड़ दो ना, जब ये चिढ़ जावे, चिढ़ कर होती है। और मम्मी भी आराम कर रही, मम्मी तो सो रही है अभी, दवाई लेके मैं सो जाती है क्योंकि दवाइयों में नींद तो आती है लेके, तो मैं उधर दूसरे कमरे में सो रही हूँ। ये देखो इनका घमासान युद्ध, क्या हो रहा, क्यों रो रही नू बता, कृष्णा देखे कितना सुंदर बच्चा, कृष्णा तो रोता भी नहीं है। चलो मैं रोटी बना दी, चलो खाइयो सारे आ जाओ। तो यहाँ जी मैंने सब्जी तो बना दी थी, बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ और सब बैठ गए हैं खाने के लिए। तो गुड्डू करा रही है मेरी हेल्प। और आज जब से रुचि आई, काफी दिन से गुड्डू अपना फ्री थी क्योंकि हम दोनों बहनें मिलके कर लेते थे, तो आज रुचि की तबीयत खराब है। तो मैंने गुड्डू को बोला, मैंने कहा बेटा सबको खाना दे दे और मैं बनाती रहूंगी। तो यहाँ खाना लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो करती नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन बस वो है कि हम दोनों बहनें कर ही रहे थे तो उसका इतना करने का वो नहीं लग रहा था कि क्या करे। और चाय वगैरह तो खैर एक आध बार, जैसे कभी अपने चाचू के लिए बना दी, कभी हमारे लिए बना दी नानी के लिए, तो वो तो खैर वो बीच बीच में बनाती रहती है। और यहाँ बस सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और गुड्डू देती जा रही है सबको। और इधर रुचि और मम्मी भी बैठ गई हैं, तो उनको भी दे दिया है खाना। मम्मी की भी आज मुझे थोड़ी सी तबीयत ढीली सी लग रही, मैं मम्मी को बोल भी रही, मैंने कहा मम्मी आपको कुछ हो रहा क्या, तो कह रही नहीं, पता नहीं किस वजह से मुझे आज लग रहा है कि एक तो वे लेट ही रही हैं सुबह से ना, ऐसा जैसा बात करती रहती हैं वो भी निकल रही, और उनको नींद भी आ रही बहुत ज़्यादा, तो शायद नींद की वजह से लग रहा। मम्मी कह रही थी कि नींद आ रही, बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जैसा दवाई ये भारी सी तो होती है, जैसा दवाई हैवी होती है लेते हैं तो उनसे नींद आती रहती है। तो खाना बस सबका हो ही गया है, उसके बाद बस मैं करने लगी हूँ किचन साफ। और रुचि की तो सच में आज सुबह के टाइम तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। ये वीडियो जो है ये है बुधवार की, बुधवार वाले दिन की। तो सुबह जैसे रुचि उठी, तो मतलब रात में वो आराम से सोई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो पता नहीं क्या हुआ उसको, जैसे मैं उसके पास से निकली मुझे उसमें से सह सह से की आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रुचि क्या हुआ, कह रही कुछ नहीं, और खांसी सी हो रही।
फिर मैं कहा तूने बताया भी नहीं, दवाई दिलवा देते। फिर हमने सोचा चलो दवाई दिलवा देंगे, अभी तो सुबह इतनी जल्दी लगभग 7 बजे की बात है कि दुकान वगैरह भी नहीं खुली। और थोड़ी देर बाद ही जैसा वो कहने लगी, उससे ना बोलना नहीं गया, थोड़ी देर बाद ही उसको ना सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो वो कह रही कि मुझे सांस लेने में ना दिक्कत हो रही, पता नहीं क्या हुआ। फिर हमने उसे एकदम से स्टीम दी, जैसा भाप की जो मशीन रखी ना हमारे पास उससे, फिर जाके उसको रिलैक्स हुआ। और फिर लेटी वो थोड़ी देर उसके हाथ पैर से मिले, तब जाके उसको रिलैक्स सा मिला कि पता नहीं जैसा, या तो जैसा कप सा जम गया हो, उसके ज्यादा नजला नहीं हो जाता और उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो शायद हो गई थी। उसे स्टीम 2-3 बार दी सुबह ही, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब जाके आराम मिला, फिर इसके पापा मेडिकल स्टोर से उसकी दवाई लेके आए। और क्योंकि डॉक्टर तो 11, 10, 11 बजे से 11, 11:30 बजे जाके बैठते हैं, फिर जाके उसको दवाई दी, तब वो लेटी, तब उसे आराम मिला। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया है और मैंने बना दी है देखिए चाय सबके लिए। अब मैं चाय दे देती हूँ और यहाँ कर दिया आरू का दूध, आरू को दूध दे दूंगी, साथ साथ वो भी पी लेगी क्योंकि फिर अलग से उसको पिलाना मुश्किल सा हो जा, देख के जैसे सब चाय पियेंगे तो वो भी पी लेगी। और यहाँ मैं दे देती हूँ। और रुचि की तबीयत अब ठीक है, वैसे आपको मिलवाती हूँ, पूछती हूँ कि कैसी है अब तबीयत। लो चाय ले लो, मम्मी और हटाइयो, यही रख दूंगी मैं। आरू दिखाओ इसमें, उसे लेकर आ रही मैं। यानी रुचि उठ गई, वो भी लेट रही थी। कैसी है अब तबीयत? आराम है, और वो जाएंगे अब फिर दोबारा तेरी चीजें जी तुझे लेकर चली जाइए, अब टेस्ट होंगे मुझे लगे। ठीक है चाय पी ले, मैं ला रही हूँ ना, बुला के वे भी पी लेंगे। यो कौन सा फैशन है इसका, यो क्या रखा सिर पर, कैप कौन सी है? है सारा दिन यही रहा तू, बाहर भी आ जाकर चल दुद्दू कर दिया, आजा पिए चाय ले लो आप। बेउरे लाऊं क्या, वहीं रखी है, आ जाओ रख दी मैंने, आजा दुद्दू कर दिया तेरा पिए। नहीं कितनी देर हो गया उठ गई थी, या तो खेल रही थी वहीं से कपड़ों तक। ये कपड़े सवेरे भी मैं इसके सारे कपड़े ढूंढे, जब इसे नुआई मैं कहा इसके कपड़े, वो जो वो बैग नहीं सुन दिया ऐसा पिंक वाला, उसमें भर रखे ये सारे कपड़े इसने। और वहां था यही जोड़ा निकला, यही पहनाया था आज इसे। फिर याद ऐसी कर रही थी भाई, गुड्डू इसे हंसन लगी, अब यह भाग गया, या तो शिकायत लगाना आई थी आप पे गुड्डू के। वहां था यही हाल है, आजा अच्छा दूध पियेंगे, जल्दी आओ जल्दी जल्दी जल्दी, मम्मा की फिंगर पकड़ो, जल्दी आओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये रखा आपका गिलासी में दूध, लो पानी ना पिए। हाँ रो का पिए बब्बो, वो ठंडा देखे गर्म है, एक गुड्डू कटोरी दिए आरू का दूध गर्म है थोड़ा सा। और अब देखिए यहाँ पे शाम का टाइम है, तो रुचि दवाई लेके दोपहर के टाइम फिर लेट गई थी, तो मैं उससे पूछ ही रही हूँ, मैंने कहा कैसी तबीयत है, कह रही कि अब तो बहुत ठीक है, वरना सुबह तो वही बात कर रहे हैं हम बैठे, बस हम इसको बोल भी रहे हैं, इसके पापा भी कह रहे कि तू जब थोड़ा ही मतलब लग रहा था तुझे कि दिक्कत हो रही तू बता देती। रुचि का है ना पहले से ही यही प्रॉब्लम है कि वो ना जैसे उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी दुख दिक्कत होती है, वो ना कम में बिल्कुल भी नहीं बताती ना लेटती, बल्कि हम जैसे हैं जैसा थोड़ी भी जैसा दिक्कत होती है भले ही ना लेटो लेकिन बता देते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, दवाई भी ले लेते हैं क्योंकि हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता इस वजह से। लेकिन उसका बिल्कुल ही जब ज़्यादा उसको दिक्कत होती है तब वो जाके बताती है कि मुझे ये दिक्कत हो रही, वरना ऐसे ही वो काम करती घूमती रहती है। अब हम उसको ये कहते हैं कि तू बता दिया कर, तभी तो दूसरों को पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि तुझे दिक्कत हो रही। और बस वो यही ये भी कह रहे कि ऐसा मत करा कर, कई बार ऐसा हो जा कि ज़्यादा दिक्कत हो जाए। फिर जैसा सुबह हमने इसकी कंडीशन देखी, हम तो दोनों घबरा गए थे बहुत ज़्यादा, जैसे उसे उसने उससे बोलना भी नहीं गया, उसने ऐसा हाथ लगा के गुड्डू के पापा के ही हाथ लगाया, जैसा बैठे थे हम ये बैठे थे, तो जैसा उन्हें ना सांस कह रही कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो ये एकदम सा भागे स्टीम की जो मशीन लेकर आए तब दीस है, तब जाके इसका कप सा पिंगला, तब जाके इसे सांस आया, इतनी दिक्कत हुई। तो बस ये
वही है, सही है, बैठती नहीं बिल्कुल भी काम करने से भी। बाकी मैं इसे रोज बोलती हूँ, मगर तू रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं। और आज भी जैसे ऐसे इतनी दिक्कत हो रही, दोपहर तक ये पड़ी रही आराम से, क्योंकि ज्यादा हो रही थी। लेकिन दोपहर के बाद तो फिर ये बार बार कह रही थी कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। मैंने इसे मुश्किल से पढ़ाया, मैंने कहा नहीं तू आराम कर, रेस्ट कर, काम तो रोज होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले भी तो करती थी, अब तू आ रही तो ये थोड़ा ही कि मैं नहीं कर सकती। मैं कहा तू आराम कर, जब आराम करेगी तब, और क्योंकि कमजोरी सी तो आई जाती है, और खांसी जुकाम में तो देखो बुरा हाल हो जाता है बहुत ज्यादा। नजला इसको ज्यादा हो गया था इस वजह से। तो खैर अब उसको ठीक है, थोड़ी सी आज शांत सी है, क्योंकि दिक्कत होती है तो ऐसा ही रहता है। बाकी अब शाम के टाइम फिर इसके पापा जाएंगे इसको डॉक्टर के यहाँ लेके। शाम को ही नंबर लिखवाया हुआ था, और बस शाम को कह रहे थे कि टेस्ट वगैरह जो करेंगे डॉक्टर कर लेंगे। तो चाय वगैरह हमारी हो गई है तीनों की, चाय में बना के ले आई थी, आरू को भी दूध पिला दिया। अब उसके बाद मैं करने लगी हूँ मम्मी की चोटी। मम्मी की ना चोटी भी नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी ना मैं ऐसे ही पड़ी थी मम्मी आज सुबह से, मैं कला बाल बादू ऐसे ही हो रही, तो फिर मैंने चोटी भी कर दी। और अब मैं लेके आई हूँ कपड़े उतार के ऊपर से। कपड़े ये कल के मंगलवार को धोए थे, तो मैं ये उतार के ले आई, रखे थे ऊपर ही, कल तो टाइम नहीं मिला था, गेस्ट आ गए थे इस वजह से। तो यार रुचि भी कह रही थी, मैं बता रही ना मैं, वो मान नहीं रही कि मुझे काम करना, तो थोड़े से वो कपड़े मेरे साथ तय करवाने लगी। मैं ना भी कर रही थी, सब उनका रहता, मैं अपने आप कर लूंगी, तू आराम से लेट जा। कह रही कि मैं थक गई सुबह से, लेट ही रही हूँ और कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तो या फिर इसके पापा आ गए थे, ये कहने लगे कि रुचि को बोल दे तैयार हो जाएगी, मैं डॉक्टर के यहाँ चला जाऊंगा इसको लेके, क्योंकि मौसम फिर से खराब हो रहा, ऐसा ही हो रहा मौसम का, कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है। तो यहाँ बस रुचि को मैंने बोल दिया, मैं कहा तू तैयार हो जा, चली जा, दवाई लेके आ जा। ये देखो आरु कैंपर पैसा ना अपने आप ही लेकर पी रही, पानी अपने आप ही पी लिया लेके। ये भी सब पता है किस्मत है, तो अपने आप ही निकल जा। ये कृष्णा की तरह ये काम कृष्णा का था पहले, ये भी इसने ले लिया, जहाँ भी इसे आवास वेसन बजाना हो बस ये पटड़ी ले रखी इसने, और ये पानी लेना हो बस इसे उठाओ फिरो जा ले हो जा। अब यह किसी को कहती नहीं आरू। और बस आरू भी देखिए हो गई है तैयार, क्योंकि इसके पापा भी जा रहे हैं, अगर वे ना जाते उनके पास तो वो रुक जाती है। बाकी रुचि भी जा रही ना, तो इस वजह से फिर वो रोएगी। यहाँ पे मैंने उसके भी मुंह हाथ धो के कंघी कर दी है, सैंडल वगैरह पहना दिए, और रुचि ने भी बाल वगैरह अपने बाल लिए। अब वो जाएंगे, इसके पापा इसको लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब रुचि को लेके जा रहे हैं इसके पापा डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि सुबह भी ले गए थे आगे आगे, और अभी टेस्ट वगैरह बताए थे शाम को लाने के लिए। तो अब जा रहे हैं, और आरू रुक नहीं रही, आरू को कह रही रुक जा, तो यही लेकर जाएंगे। आरू आप मेरे पास रह लो, चीची दिलवाऊंगी रहने की नहीं, आ फिर आप रहते तो आप तो रख भी लेते। अरे चीची दिलवाऊंगी, ले वगी चिप्स ऐसे ले लिया आपने, बैठ जा रुचि। मौसम भी ऐसा ही हो रहा, हेलमेट लो थे क्या, क्या बीच में बिठा लो इसे। बाय आरू, आराम से रुचि आराम से बैठ। तो यहाँ आ गए थे इसके पापा रुचि को लेके, और डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी है, बोला है टेस्ट वगैरह नहीं करा, तो बोल जैसा जैसा इन्होंने बताया तो डॉक्टर ने यही बोला कि इसको कफ ज्यादा हो रहा, उस वजह से जैसा ज्यादा बलगम हो गया तो वो सांस की नली में चला गया, इसलिए इसको दिक्कत हुई, इसको आप भाप दो ज्यादा से ज्यादा, कई बार पानी की दे रहे हैं हम, और दवाई भी दी है, 2 दिन बाद देखते हैं, अगर आराम होगा तो ठीक है, वरना फिर टेस्ट करने पड़ेंगे। तो दवाई लेके ये आ गए थे, बस उसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय, शायद ऑफिस में देनी है मुझे, इसके चाचू पापा सब थे तो उनके लिए दे दूंगी, मैं कभी काम कर रहे तो यहाँ पे बस चाय बना दूंगी। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी रुचि के लिए, अपने लिए और मम्मी के लिए बना ली, तो यहाँ बस दे दूंगी। और अपना बातें भी चल रही, मैं रुचि को ही पूछ रही मैं क्या बताया, तो उन्होंने खाने पीने के लिए भी ठंडी चीज उसकी ना करी कि ठंडा कुछ नहीं खाना। तो जी खैर अब शाम का टाइम है, बस शाम का देखूंगी अपना, फिर रोटी वगैरह का क्या बनाना उसी के हिसाब से बना लूंगी। तो अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।